हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। रात के 2 और प्लान हमने बना लिया है घूमने का, तो जा रहे हैं इस बार उत्तराखंड और दिखाएंगे आपको थंबनेल में, समझ जाओगे कहाँ जा रहे हैं। और नहा धो के हो गया मैं रेडी और ये बैग भी हो गया है रेडी, तो चलते हैं। मम्मी, मैं और आगे से पूजा को, उसकी मम्मी को, समर्थ, सब जा रहे हैं साथ में और चलते हैं। बने रहिएगा, एक से एक चीज़ें दिखाने को मिलेगी और दिखाते हैं आपको, बने रहिएगा साथ में। और अभी चले जाएंगे आयनगर, उनको पिकअप करना है, फिर साथ निकलेंगे वहाँ से। तो अभी पहले पी लेते चाय, आँखों में भी थोड़ी बहुत नींद भी है और थोड़ी फ्रेशनेस हो जाएगी, तो चाय पी के चलते हैं। तो एक और उत्तराखंड का ट्रिप रेडी है आपके लिए, तो बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पीते हैं चाय गर्मा गर्म, अभी चलते हैं उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में और दिखाते हैं आपको नई नई जगह। चलिए, हम हमेशा से सुबह सुबह निकलते हैं, सुबह सुबह भीड़ कम होती है, ट्रैफिक कम होता है और इजीली दिल्ली पार कर लेते हैं। दिल्ली मेन दिल्ली पार करना है, उसके बाद तो फिर हाईवे में गाड़ी आराम से चलती है। तो कम से कम 3:30-4 बज जाएंगे अभी आयनगर जाने के बाद, फिर गाड़ी चलेगी खुल्लम खुल्ला, तो सुबह जाने का यही फायदा है। बाकी सब रेडी है, चलिए जी। ये भी मम्मी भी रेडी है, चलो जी चलो। दोस्तों अभी पहुंच गए हम आयनगर और इनकी सासू माँ को ले लेते हैं और ये अपनी पूजा और सभी यहीं नानी के घर आया हुआ है। लाइट स्टैंड लगाओ, परफ्यूम दो, ये देखो सारे जग गए और टाइम बहुत, 3:00-3:00 बज गए। ये देखो, चलो फिर निकलते हुए धीरे धीरे करके, समी को उठाया जाए, समर्थ को उठाया जाए, उठ जाएगा खुद ही वो। तो दोस्तों जाने के लिए रेडी हो गए हैं और टाइम हो गया है सुबह के 4:00 बज गए, 2 बजे से निकले हुए हैं और ये सारी टीम हमारी ये रही, जिसमें पापा जी, ससुर जी नहीं जा रहे हमारे पापा जी, बाकी सब जा रहे हैं। तो चलते हैं उत्तराखंड की वादियों में, मौसम दिल्ली का हो रहा ठीक ठाक, ठंडी हवा चल रही, कल आंधी चली थी, बारिश हुई थी हल्की हल्की, जो कि गाड़ी भी देखो कैसी हो गई थी पूरी, बारिश से भी थोड़ी बहुत साफ की है। तो चलिए चलते हैं और बने रहिएगा। चलो भाई चले चले, समी समी चले, चलो खुला हुआ है, चलो भाई चलते हैं। हरे महादेव, जय माता दी। पहुंच गए हम गढ़गंगा से 10 किलोमीटर आगे और मोगा रेस्टोरेंट पे रुके हैं खाने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक लिया है। ये रहा सामने मोगा, इसमें पहले भी आए थे पिछली बार, और मौसम हो गया है ठंडा ठंडा और यहाँ पे हुई है बारिश, पिछले 2-3 घंटे पहले बारिश हुई है। देखो पानी 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 है मतलब, तो यहाँ पे हो गई बारिश और दिल्ली वाले बारिश के बिना बेचारे परेशान हो रखे हैं, भाई दिल्ली भी बरस जाओ यार, दिल्ली वाले में इतनी गर्मी पड़ रखी है दिल्ली में। और ये कुछ इस तरह का रेस्टोरेंट है मोगा सामने, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे चाय पानी पराठे सराठे सब खा सकते हो। और सामने है हवेली और मौसम हो गया मस्त, दिल्ली का छोड़ के दिल्ली में मतलब सड़ी गर्मी पड़ रही है। बाकी कुछ चाय पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं, तो साथ में रहेगा सम्मी येरा। हेलो सम्मी, तो ये देखो ये मस्ती छा गई, इसको कहाँ जा रहे हम, घूमी घूमी हैं, ये देखो सर, अरे आपकी भी वीडियो आ रही है। चलो फिर चलते हैं, खाते हैं थोड़ा सा चाय पानी, दिखाते हैं। और अंदर से देखो मोगा कितना जबरदस्त लग रहा है, देखो सीटिंग स्पेस, देखो सीटिंग एरिया, देखो और इसका डेकोरेशन देखो, ये देखो जबरदस्त। और ये रहे हम, तो काफी अच्छा है बना रखा है मोगा। चलो मंगा लो भाई चाय चाय है समी, क्या खाओगे आप, चाय? हाँ कॉफी कॉफी कॉफी, मैं तो कॉफी पीऊंगा एक, बाकी दिन निकाल लियो तो फ्रेश फ्रेश हो जाना यहाँ पे। बाकी चलो दोस्तों कॉफी मंगाते हैं, ऑर्डर मंगाते हैं देख करके। चलो
चाय। हम 4 बजे निकले थे और अभी टाइम हो गया 6, 6 बज गए हैं और हमें लगभग 2 घंटे लगे हैं यहाँ पे पहुँचने में, तो 2 घंटे का वक्त हो गया है। बाकी चाय पानी आ गया, बाकी घर से हम ये भी लेके आए थे सैंडविच, पनीर सैंडविच, ये रहे घर के, छुपा के लेके आए भाई, कोई देख ना ले कुछ नहीं कहता कोई। बाकी सभी को देखो, ये देखो कहाँ जा रहे, गाँव पक्का मजा आला है चीचे। हमारी तो आ गई कॉफ़ी और एक कॉफ़ी पूजा की, 2 चाय और बाकी ये खा रहे हैं पकोड़े, मिक्स पकोड़े मंगा रखे हैं इन्होंने। बाकी हम तो पियेंगे कॉफ़ी, कॉफ़ी सुबह सुबह मेरे को भूख लगती नहीं है। ये रही हमारी कॉफ़ी, आप पियोगे पकोड़े खा लो पक्षा, कॉफ़ी का टेस्ट देखते कैसा है। बढ़िया बढ़िया कॉफ़ी, बढ़िया पकौड़े खाओ, पनीर के मिक्स, आराम से गिराना मत, हाँ गिराना मत, ध्यान रखिए कॉफ़ी गिराए ना। चलो कॉफ़ी पीते हैं फिर दोस्तों। तो दोस्तों चाय पानी पी लिया, पकौड़े सकौड़े हो गए हैं और ये देखिए हाईवे और टाइम हो गया है 6:30 और अब चलते हैं आगे की तरफ, जर्नी रखते हैं कंटिन्यू और दिखाते हैं आपको सुंदर सुंदर नज़ारे, ठीक है तुम्हें बोल दो एक बारी। चलिए जी चलते हैं। दोस्तों भाई यहाँ पे तो बारिश हो रखी है, ताजा ताजा अभी पहुंच ही रहे हैं, देखो रोड गीली और पानी, मौसम बढ़िया हो गया, चलते चलते और आनंद आ रहा है। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है भाई, तगड़ी, बहुत टाइम बाद बारिश देखने को मिली है और रामनगर पहुंचने वाले हैं हम। और ये देखिए मौसम क्या जबरदस्त तंगड़ाई ली है भाई, तगड़ी हो गई बारिश भाई, दिल्ली भी पहुंच जाना बादलों, बेचारे दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं। ये देखो मजा आ गया, पहुंच गए हम रामनगर और अच्छी खासी बारिश हो रही है, रास्ते में भी बारिश हुई है सही मस्त, और थोड़ा सा फल फ्रूट ले रहे हैं यहाँ पे आम, और मौसम हो गया बढ़िया, अभी चाय पानी पी के चलते फिर आगे पहाड़ों की तरफ, अच्छा सुकून मिल रहा भाई, आगे भी बारिश हो सकती है। और ये कुछ व्यू है रामनगर का, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का, ऊपर तो लगे हुए हैं बादल सही, बारिश चल रही है अभी तो रुकी हुई है, ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी और ये अपना रोड मेन रोड चलते हैं। अभी पहुंच गए हैं हम सोराल, थोड़ा सा रामनगर से 25 किलोमीटर आगे सोराल पड़ता है, सोराल पहुंच गए और देखो स्रोत का पानी कैसे आ रहा है, ओहो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है भाई पहाड़ों में। और ये अपनी गाड़ी और ये यहाँ पे ढाबे बने हुए हैं, ब्रेक लेते हैं यहाँ पे लोग और हवा चली ठंडी ठंडी, सही मौसम हो रहा है, देखो है ना जबरदस्त। तो अभी पहाड़ों में भी सही रौनक हो रखी है, सब आ रखे हैं और थोड़ा सा मुंह धो लेता हूँ, नींद थोड़ी सी भगानी है, दूर करनी है, सुबह से ही उठा, रात से उठा पड़ा हूँ, अभी फिर मुँह हाथ धो के सीधा फिर गाड़ी चलाते हैं आगे, तो बने रहिए। ये देखो समझ ना, धो लिया मुँह, धुला 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 धो, ये लिए हो गया। और ये देखो यहाँ का रोड और यहाँ का देखिए क्या फील आ रहा है, मस्त। पानी तो अभी हम पहुंच गए हैं मंचोड़ और ये जंगल देखिए
सीनरी देखिए, और ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, और गए माता भी बैठी हैं। ये देखिए रोड जबरदस्त, तो हवा बहुत अच्छी चल रही है ना सम्मी? ये सम्मी मेरे अंदर बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहे हो हैं? आराम से बैठो। देख रहे हैं बाकी, देखिए चीड़ के पेड़ देखो आप, और जंगलों में कहीं कहीं तो आग लग रखी है, हालांकि बारिश से थोड़ा सा बुझ गई अब, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मस्त हो रखा बिल्कुल मौसम। आड़ो की हवा खाओ यार, ये देखो ऊपर क्या अच्छा नज़ारा लग रहा है ना। तो ये पहाड़ का खाना पानी, घूमना फिरना, और आपके लिए ब्लॉग लाना नए नए, तो ऐसी कोशिश करते रहते हैं हम, और बने रहिए, अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। ये देखो, और अभी बादल भी थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, चिड़िया कह के आ रही है, मज़ा आ रहा है। ये देखो, और अभी सही पहाड़ों में रौनक चल रखी है भाई। ये देखो ट्रक कैसे आ रहे हैं, ये थोड़ी अभी अलग कर रहे ठंडी, मम्मी का थोड़ा सर चकरा गया थोड़ा पहाड़ों में, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया, ठीक है अब हैं, बैठ जाने 5-10 मिनट बैठ जाओ। ये देखो हमारे नए ड्राइवर हमारे साहब, कहाँ तक जाओगे भाई साहब, कहाँ तक ले जा रहे हो, घुमाने ले जा रहे हो, अच्छे से चलाना ठीक है पक्षा, चलो हाँ आराम से। A few moments later. तो अभी हम पहुंच गए हैं घट्टी, और भतरोज खान यहाँ से रह जाता है 5 से 6 किलोमीटर दूर, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और समी देखो कैसे आ रहा है, ओ ऐसे नहीं पीछे गाड़ी आ जाएगी बेटा, चलो आज आंटी नहीं है दुकान पे, उनका लड़का है। तो इसी हम ढाबे पे खाना खाते हैं हर बार, राहुल ढाबा सॉरी घट्टी में। बेटा जरा समी, ये समी भी बहुत भागता है यार, तो खाते हैं यहाँ पे दाल चावल अपना पहाड़ी खाना, बाकी देखते हैं कढ़ी चावल भी है, रोटी ले लेंगे थोड़ा सा पूरी प्लेट, और यहाँ का कुछ माहौल है, यहाँ पे क्या क्या मिला है, हरी सब्जी वगैरह मिल रही है सामने। सम्मी गाड़ी आ रही है ना, आ रहे हो, और यहाँ पे लाइन से ढाबे लगे हुए हैं देखो, और आगे भी है, ये बैठे हैं कुछ लोग यहाँ पे, तो अच्छा माहौल बना पाया है सामने, और खाते हैं कुछ, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं, खाऊंगा थोड़ा, और दिखाते हैं आपको भी, चलते हैं सीधा आगे, चलो जी। और ये कुछ इस तरीके का राहुल ढाबा है हमारा, देखिए यहीं पे रुक के हम खाते हैं, आंटी जी आज है नहीं यहाँ पे, रहते हैं आंटी जी। ये देखिए ये चूल्हा है सामने, और पकौड़ी हैं, आलू के गुटों के हैं, बाकी देखते हैं क्या खा के आते हैं, दाल चावल तो मैं खाऊँगा ही खाऊँगा, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भैया हमारी थाली आ चुकी है, इसमें है भिंडी दाल कढ़ी दुबुक और चावल, तो ये हमारी थाली है, खाते हैं, एक थाली और मंगाई है, मम्मी खाएगी रायता क्योंकि मम्मी को थोड़ा सा सर चकरा रहा है। और समी आप क्या खाओगे, चावल? चावल चलो भाई करते हैं स्टार्ट, भूख लग गई मेरे को तो, और देखो पहाड़ का खाना दाल चावल मेरा फेवरेट है, मज़ा आता है इसको खाने में, बहुत बढ़िया। तो अभी हम पहुंचे हैं भतरोज खान, और थोड़ी सी सब्जी वब्जी ले लेते हैं घर के लिए, और उसके बाद फिर जाएंगे कहाँ पे, बिनसर महादेव, यस, तो वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हम पहुंच गए हैं भतरोज खान, और भतरोज खान की सामने मार्केटें लगी हुई है, और
मौसम भी हो गया है सुहाना। मौसम तो खैर सुबह से हो ही रहा है सुहाना, और फिर बाकी अभी सब्जी वब्जी लेके फिर चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं 12:30 बजे, टाइम 12:30 हो गए हैं और मौसम सही हो गया, सुहाना, ठंडा ठंडा हो गया। मेरे को लग रहा है स्वेटर निकालनी पड़ेगी भाई। और मौसम देखिए सही, चिड़िया चिंगा आ रही है, और देखो पानी कैसा आ रहा है। पहुंच गए थे और थोड़ा सा भी फ्रेश व्रेश होते हैं, और देखो कल्लू आ गया। और अरे हट, तार मारूंगा मस्ते हट। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड, और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय 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 बाय, ठीक है। हाँ ये आ गया, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और फिर कल मिलते हैं आपसे। बिनसर के लिए रेडी रहेंगे, तो बिनसर दिखाएंगे आपको और उसके बारे में बताएंगे। बिनसर बहुत उत्तराखंड का माना हुआ मंदिर है, टेम्पल है, बहुत सुंदर है, दिखाते हैं आपको। चलिए ठीक है, बाय बाय।